वेल, बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंस ये किसने देखा था? वेल तो हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉबी लैशली के मैच के बारे में, रेसलमेनिया मैच के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे रेसलमेनिया के सीजन मतलब नज़दीक आते रहते हैं, तो वैसे वैसे बहुत सारे सुपरस्टार्स के मैचेस भी हमें सुनाई पड़ते हैं या फिर रूमर्स हमें उठते हैं कि बहुत सारे रूमर्स उठते हैं कि इस सुपरस्टार के साथ में मैच होने वाला है। तो हाल ही फिलहाल में ऐसे बहुत सारे रूमर्स उठे हैं कि बॉबी लैशली के भी मैचेस हो सकते हैं, जो कि वो सुपरस्टार और कोई नहीं ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। एंड एक और सुपरस्टार हो सकता है जिसके बारे में बॉबी लैशली ने खुद ने उन्होंने जिक्र किया इस चीज़ के बारे में। वेल, तो उन्होंने हाल ही के इंटरव्यू दिए गए जो कि स्पोर्ट्स क्रीड़ा के साथ में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं दो सुपरस्टार को अपना अपोनेंट बनाना चाहता हूं रेसलमेनिया के लिए 37 के लिए, जो कि फर्स्ट सुपरस्टार है अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ड्रू मैकइंटायर, यहां की ड्रू मैकइंटायर के साथ वो मैच लड़ना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट वन सुपरस्टार है जो उनके साथ उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है, और वो सुपरस्टार है ब्रॉक लेसनर, द बीस्ट इनकॉर्नेट, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो वेल नाउ कि यहां से बहुत ही अच्छी हमें स्टोरीलाइन जो कि देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमें जानते हैं कि अगर बॉबी लैशली को ब्रॉक लेसनर से लड़ना है तो उनके यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को उनसे दूर रखना पड़ेगा। तो वेल, उस चीज़ के लिए हो सकता है यहाँ पे हमें कुछ बिल्डअप देखने को मिल जाए। जैसा कि हम जानते हैं ब्रॉक लेसनर का हाल फिलहाल में मतलब कोई स्टेटस बन नहीं रहा है कि वो रेसलमेनिया में हमें देखने को मिले। अगर फिर भी WWE कहीं से इंतजाम कर लेती है तो मे बी हमें ये मैच देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 37 में, तो जो कि जैसा कि हो सकता है कि हमें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप लॉस करते हुए दिखाई दे जाए एलिमिनेशन चेंबर में बॉबी लैशली। एंड लॉस करने के बाद तो बॉबी लैशली के पास वो फ्री हो जाएंगे एंड वो फिर किसी भी चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं या फिर किसी से भी फाइट करने के लिए बहुत ही फ्री हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ऐसा थिंग निकलता है तो यहाँ पे हो सकता है कि बॉबी लैशली हो सके तो ड्रू मैकइंटायर के साथ उनकी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो जाए, एंड इन्वॉल्व होने के बाद तो ट्रिपल थ्रेड मैच बन जाए WWE चैंपियनशिप के लिए, ट्रिपल थ्रेड मैच बन जाए जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन होगी, शेमस वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, जो कि आई थिंक बहुत ही बेस्ट स्टोरी लाइन हो सकती है अगर इन तीनों सुपरस्टार एक साथ आए तो। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था बैकलैश में, आई थिंक इनका मैच हुआ था बैकलैश में कि मनी इन द बैंक में ऐसा कुछ इनका मैच हुआ था जिसमें बॉबी लैशली ड्रू मैकइंटायर से हार गए थे। तो यहाँ पे उनके पास चांस हो सकता है कि वापस से चैंपियनशिप को ग्रैब कर सके, बट यहाँ पे उनके पास एक चांस हो सकता है। एंड अगर बॉबी लैशली के साथ फाइट करवाना चाहती है ब्रॉक लेसनर को अगर WWE, तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ब्रॉक लेसनर का इंतजाम हो सकता है रेसलमेनिया 37 के लिए, जैसा कि उनका स्टेटस दिख नहीं रहा। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये हो सकता है कि अगर WWE कोई कमाल करे, जैसा कोई कमाल कर सकती है, तो WWE आज लेके आ जाए अचानक से ब्रॉक लेसनर को, एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली हमें रेसलमेनिया 37 में देखने को मिल जाए और इनके बीच में एक अच्छी स्टोरी लाइन हमें तैयार होती हुई दिखाई दे जाए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग हो सकता है। एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली आई थिंक कौन नहीं देखना चाहेगा। इनके बीच में हमें कुछ ऐसे थिंग्स हुए हैं हाल ही में, या फिर वो MVP का ट्वीट हो या फिर वो बॉबी लैशली का पुश हो, जिससे हम स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर के से लड़ने के लिए बॉबी लैशली इस टाइम पे कैपेबल है, एंड उनके बीच में हमें फाइट जो कि बहुत ही अच्छी देखने को मिल सकती है। अगर आई थिंक ऐसा सोच रही है तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम होगा उनका मैच कराने के लिए, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा इसका WWE कराती है कि नहीं कराती है। वेल, तो आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड अगर आप तो लाइक डिसलाइक से सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो। एंड सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।